इस वीडियो में आज हम अपना एक नया क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन ये सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, और काफ़ी अच्छा ही क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं टेक्निक, उसका नाम है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है पहले वो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। तो हाँ मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना कि टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ होगा, एसाइक्लिक होगा, तो उसी का टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता है, ठीक है। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है देखते हैं, इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस। लीनियर ऑर्डर मतलब लाइन वाइज ऑर्डर, ठीक है, लाइन वाइज ऑर्डर ऑफ वर्टिसेस सच दैट फॉर एवरी एज, जैसे ये यू है ना, यू बी एक एज है, तो फॉर एवरी एज यू वी यू मस्ट अपियर, यू मस्ट कम बिफोर वी इन द ऑर्डरिंग। तो पहले जो है यू मस्ट कम बिफोर वी, मतलब पहले यू आएगा और फिर उसके बाद वी आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि फॉर एवरी यू टू वी यू वी डायरेक्टेड एज है ना, यू मस्ट कम बिफोर वी, तो यू पहले आएगा वी बाद में। तो ये ऐसा कह रहा है क्या टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जीरो है और ये थ्री है, और इसे इसे डेफिनेशन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब हमें पता चल गया डेफिनेशन क्या है कि टॉपोलॉजिकल सॉर्ट जो होती है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की, वो क्या होती है, इज अ लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस सच दैट फॉर एवरी वर्टेक्स यू वी यू यू मस्ट अपीयर बिफोर वी, ठीक है, यू मस्ट अपीयर बिफोर वी, यू मस्ट अपीयर बिफोर वी, वी वी क्या आने से पहले यू आ जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो चलिए इसे हटाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमको करना है, क्या होता है ये, दोबारा से एक बार देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे हटा देता हूँ मैं, तो ये गायब। अब करते हैं शुरू, जैसे कि जीरो टू थ्री, ठीक है, ये यू ही एक वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसमें जो है यू पहले आएगा, जीरो पहले आएगा, फिर थ्री आएगा, ठीक है, ऐसे ही वन टू। तो हमको एक्चुअली इसमें बताना क्या है ना, हमको इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन मतलब किस ऑर्डर में कंपाइल करूँगा, किस ऑर्डर में कंपाइल करूँगा मैं, पहले जो मेरे पे डिपेंडेंट फाइल है ना, जो मेरे पे डिपेंडेंट चीज़ें हैं उन्हें पहले कंपाइल करो, और फिर जिन मतलब जिन पे मैं डिपेंडेंट हूँ उनको पहले कर दो, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा, है ना। मेरे से पहले जैसे मैं अगर किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मान लो कि जीरो वन है, जीरो वन इसका मतलब क्या है कि जीरो को करने के लिए पहले वन को करना होगा, यानी कि जो जीरो है वो वन पे डिपेंडेंट है, तो इसको करने के लिए पहले वन को करना होगा, तो मैं क्या कहूँगा पहले वन को करो और फिर जीरो को करना है, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है जान लिया हमने, लीनियर ऑर्डरिंग होती है यू किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में, अगर जो यू भी आता है मतलब कि यू वी आने के बाद क्या करते हैं इसमें, यू मस्ट अपीयर बिफोर वी, ठीक है, यू पहले आएगा फिर वी, और फिर ऐसे सो ऑन एंड सो फॉर सबके लिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देख लेते हैं, इसमें ठीक है, सिर्फ इसके लिए देखते हैं, एक कंपोनेंट के लिए ग्राफ के। अभी हम जानते हैं वर्ड कि हमको करना क्या है, ठीक है, वर्ड जानने हम करना क्या है, कैसे करना है वो तो अभी जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जीरो जो है, जीरो को करने के लिए पहले वन करो, वन को करने के लिए टू करो, टू को करने के लिए पहले थ्री करो, तो इसमें क्या होगा कि पहले थ्री कर दो, ठीक है, फिर टू करो, फिर वन करो, फिर जीरो कर दो, ठीक है, पहले थ्री करो, फिर टू करो, फिर वन करो, फिर जीरो। यू वी, ये भी यू वी है, यू मस्ट अपेयर बिफोर वी, ठीक है, यू मस्ट अपेयर बिफोर वी, तो यू जो है बिफोर वी ही आया है, ये भी है, तो यू वी जैसे ये थी ना, ये क्या थी, यू वी ये थी, तो यू पहले आया, फिर जीरो वन थी, तो जीरो फिर वन पहले आया, है ना, जीरो सब जीरो वन में जीरो पहले आया, फिर वन आया, और ऐसे ही क्या थी, वन टू थी, तो वन पहले आया, टू बाद में, फिर टू थ्री थी, फिर टू पहले, थ्री बाद में, ठीक है। तो ये हो गई ना सॉर्टिंग, हो गई ना टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कहते हैं इसे, ठीक है, कि क्या फॉर एवरी यू वी वर्टिक्स यू मस्ट अपीयर बिफोर वी, ठीक है, ये हो गया टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट जो होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन भी वही होता है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन भी वही होता है, और वही हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके लिए ना हम क्या यूज करेंगे,
डेप्थ फर्स्ट सर्च ठीक है, DFS यूज करने वाले हैं। क्यों क्यों करेंगे ये अभी देखेंगे। वर्ड जान लिया हमने, करना क्या है जान लिया, और हाउ अब जानेंगे, और वाई जो है उसके बाद जानेंगे। ठीक है, ये तीन चीजें जाननी है। तो वट हमने जान लिया है, हाउ करते हैं हम। चलिए तो कैसे करेंगे हम ये हम ऐसे करेंगे कि इसमें हम DFS यूज करने वाले हैं। ठीक है, और DFS कैसे यूज करने वाले हैं, सबसे पहले जो है मैं इस वर्टेक्स को ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं जो है इस वर्टेक्स पे जाऊंगा, सॉरी ऐड नहीं करूंगा, कहीं पे ऐड नहीं करूंगा, इस वर्टेक्स पे जाऊंगा जीरो पे। और DFS में क्या करते थे, आते ही पहले मार्क करो। ठीक है, सबको मौका दूंगा मैं, जीरो को मौका दूंगा, सभी कंपोनेंट को, वन को मौका दूंगा, टू को मौका दूंगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सभी कंपोनेंट को मौका दे रहा हूँ मैं। ठीक है कि भाई तुम अपने अपने पास से जाके अब अपना ऑर्डर ऑफ वर्क निकाल के लाओ। ठीक है ठीक है, एक विजिटेड की भी जरूरत होगी। ठीक है, विजिटेड की भी जरूरत होगी, क्यों, मार्क करने के लिए। तो पहले जाते ही मार्क कर दो जीरो को। ठीक है, मार्क कर दिया। अब इसके बाद इसके इसके नेबर्स पे जाते हैं, नेबर्स पे जाते हैं। नेबर क्या क्या है, वन है टू है अनविजिट, वन है और थ्री है, सॉरी ठीक है वन है और थ्री है इसके नेबर। तो जीरो पे मैं था, फिर मैं जाऊंगा वन पे। ठीक है, वन के नेबर क्या है, टू है और जीरो है। तो टू तो इसको पहले विजिटेड मार्क कर दो, गया था इस पे, ये विजिटेड मार्क हो चुका है। अब इसके नेबर हैं जीरो और टू, तो सिर्फ ऐड हुआ टू है ना, क्योंकि वो तो विजिटेड है। तो अब टू के पास गया, अब टू से फिर मैं थ्री के पास गया। ठीक है, और ये एक ले लेता हूँ स्टैक, ले ली एक स्टैक। क्यों ले ली ये अभी बताएंगे आपको। हम जो है ना क्या करेंगे ना कि ट्रैवर्स करते रहेंगे, और ट्रैवर्स करने पे जैसे ही मैं पोस्ट ऑर्डर पहुंच जाऊंगा ना, जैसे ही सबकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जैसे ही मैं सब पे मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा जैसे ही, तो मैं अपने आप को डाल दूंगा इसमें स्टैक में। ठीक है, तो देखते हैं क्यों कर रहे हैं हम, ये क्यों कर रहे हैं वो तो बाद में जानेंगे, पर पहले करते हैं। ठीक है, तो टू पे पहुंचा। ठीक है, टू पे पहुंचा, टू को पहले मार दो विजिटेड। ठीक है भाई, टू पे विजिट हो गया हूँ। अब जो है टू से कहाँ जाना है, इसके नेबर्स पे थ्री पे, तो थ्री पे पहुंच जाओ। ठीक है, थ्री पे पहुंच गया। अब थ्री का कोई है क्या चाइल्ड, थ्री पे किस, थ्री किसी पे भी डिपेंड नहीं है, थ्री का कोई चाइल्ड नहीं है। तो थ्री से हो जाऊंगा मैं वापस, जब मैं थ्री से वापस हो जाऊंगा तो वापस होते होते इस थ्री को डाल दूंगा इसमें। ठीक है, क्यों डाल दूंगा वो हम देखेंगे। तो इसमें हमने डाल दिया कि अब मैंने क्या कहा है कि ये जो है ना अब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मेरी सारा मेरा जिस पे भी मैं डिपेंडेंट था मेरे से पहले, मतलब जिस पे भी मैं डिपेंडेंट था मेरे से पहले वो आ चुके हैं अभी। ठीक है, जिस पे मैं डिपेंडेंट था मेरे से पहले वो आ चुके हैं, भले ही कोई भी नहीं आया हो। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो ये भी ऐसा ही कहेगा कि मेरे से पहले आ गए हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, रिकर्जन चल दिया ना ये, तो फेथ और एक्सपेक्टेशन वाला काम चल रहा है। तो फेथ इसने मान लिया कि ठीक है, अब चलिए फेथ इसमें टू में बता दूं मैं आपको कैसे होगा। तो अब यहाँ से टू पे गिरूंगा मैं। ठीक है, टू पे गिरूंगा। अब टू पे गिरा तो फिर क्या हुआ, टू कहेगा कि भाई जिस पे भी मैं डिपेंडेंट था, टू किस पे डिपेंडेंट था, टू किस पे डिपेंडेंट था, थ्री पे। ठीक है, तो ये कहेगा कि जिस पे भी मैं डिपेंडेंट था वो ऑलरेडी आ चुका है, उसका वो ऑलरेडी डन हो चुका है, तो अब मैं आराम से आ सकता हूँ। ये था फेथ। ठीक है, जिस पे मैं डिपेंडेंट था और वो ऑलरेडी आ चुके हैं स्टैक में, तो मैं अपने आप को स्टैक में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए पोस्ट ऑर्डर में काम चल रहा है। अब वन पे आया, सेम चीज़, वन वन ने कहा कि सब हैं ऑलरेडी पहले से, जिस पे भी डिपेंडेंसी थी वो ऑलरेडी आ जाए आ गया है, अब मैं आ जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे जीरो पे। जीरो पे से कहाँ जा सकते हैं, थ्री पे, पर थ्री तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, थ्री तो ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है यहाँ पे, तो थ्री पे जाएंगे नहीं, थ्री विजिटेड हो गया, विजिटेड नहीं कराया मैंने, पर हो चुका है, देख लिया था यहाँ पे हमने। तो अब आएगा जीरो। ठीक है, तो ये अब आएगा जीरो, यहाँ से कॉल लगेगी नहीं, तो ये हो चुकी है इसकी पूरी कॉल। ठीक है, इसकी पूरी कॉल हो चुकी है। तो अब क्या होगा, ये आ गया स्टैक में इतना, पर अभी पूरा तो ट्री विजिट नहीं हुआ है ना, तो मैंने इसको मौका दिया था पहले ना, जीरो को मौका दिया था। ठीक है, जीरो ने अपने स्टैक में ऐड कर दिए। अब मैं वन से कहूंगा, पर मौका कब दूंगा, जब ये अनविजिटेड होगा, पर वन तो विजिटेड है तो इसको मौका मिलेगा नहीं, इसका भी डन हो गया। इसका टू, टू को मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। थ्री को भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, स्टैक में ऑलरेडी इसने अपना काम कर दिया है। फोर, फोर को जरूर मौका मिलेगा। तो चलिए फोर के लिए बनाते हैं ट्री। ये रहा फोर, फोर के चाइल्ड थ्री है, फाइव है और सिक्स है। ठीक है, ये तीन है। तो अब फोर
फोर से कहाँ पे लगेगी, फोर से थ्री पे जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है, तो ट्रू मार्क कर दो पहले जाती, ठीक है, जैसे हम करते थे, तो ट्रू मार्क कर दिया। और हाँ, ये काम ना जीसीसी जैसा चल रहा है, गेट कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स, यानी हम सबको ही मौका देते थे, सबको ही मौका देते थे कि भाई अपने अपने कनेक्टेड कॉम्पोनेंट देख के आओ, ठीक है? ठीक है, तो चलिए फोर को दे दिया, फोर से यहाँ पे थ्री पे तो कॉल जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो विजिटेड है, ठीक है, ये फोर के पास ही जाएगा, फाइव अनविजिटेड है, फाइव के पास जरूर जाएगा, फाइव के पास गया, ठीक है। अब फाइव से कहाँ जाएगा, फाइव के चाइल्ड क्या है, छः है, और कोई नहीं है, ठीक है, तो फाइव से जाएगा सिक्स पे, तो सिक्स पे जाएगा। अब सिक्स पे, सिक्स का चाइल्ड फोर है, फोर तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कहीं नहीं, सिक्स का चाइल्ड फोर नहीं है, सॉरी सॉरी, सिक्स का चाइल्ड फोर नहीं है, डायरेक्टेड ग्राफ है ना ये, तो सिक्स का चाइल्ड कोई नहीं है, सिक्स इंडिपेंडेंट है अब, तो सिक्स अब अपने आप ऐड हो सकता है, तो सिक्स ऐड हुआ, ठीक है, सिक्स ऐड हुआ। और फिर उसके बाद कहाँ गिरे, फाइव पे गिरे, फाइव पे, तो फाइव फाइव कह रहा है कि सब आ चुके हैं मेरे से पहले वाले, ठीक है, जिन पे डिपेंडेंट था सब आ गए हैं, अब मैं आ सकता हूँ आराम से, ठीक है, तो फाइव भी आ गया। अब फाइव के बाद किसकी बारी आई, फाइव के बाद सिक्स पे जाऊंगा ना मैं यहाँ पे, पर क्या सिक्स पे जाऊंगा, सिक्स पे कॉल लगेगी क्या? नहीं लगेगी, ऑलरेडी विजिटेड है ना सिक्स पे, यहाँ पे सिक्स यहाँ पे विजिटेड है, और फाइव फाइव यहाँ पे विजिटेड हो चुका था, ठीक है, तो फाइव और सिक्स का काम हो चुका है, अब सीधा फोर पे जाऊंगा, तो अब लास्ट में फोर आ गया, तो ये हमारा बना ऑर्डर, फोर आ गया। अब एक और चीज, हाँ अभी एक और चीज रह गई, फोर ये कॉल खत्म हो गई है, पर अभी फाइव को मौका देना रह गया है, फाइव को मौका दूंगा तो फाइव कहेगा ऑलरेडी ट्रू मार्क हूँ, कुछ नहीं करना, ये सिक्स सिक्स कहेगा ऑलरेडी ट्रू मार्क हूँ, कॉल ही लगेगी, कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, तो सबको मौका मिल गया है, और ये हमारा जो है स्टैक में ऑर्डर आ चुका है, तो देखते हैं इस ऑर्डर कैसा है। तो अब ना आप कहोगे कि भैया ये तो जो सिक्स है, ठीक है, ये तो किसी इससे जीरो से डिपेंडेंट ही नहीं था, जीरो और सिक्स तो आपस में डिपेंडेंट ही नहीं थे, है ना, मैंने ये कहा है फॉर ऑल यू वी, फॉर ऑल यू वी यू मस्ट अपियर बिफोर वी, यू मस्ट अपियर बिफोर वी, तो जैसे ये वन टू है, जैसे ये वन टू है, तो वन यू है ना, वन यू है, और ये टू वी है, तो यू पहले आ रहा है ना ये, और फिर ये वी आ रहा है, तो अब जैसे इसे मैं कहूंगा यू वी, ठीक है, तो ये क्या इस पे डिपेंडेंट है, सिक्स नहीं है, तो ये ऊपर कैसे आ रहा है, ये तो डिपेंडेंट है ही नहीं ना, तो इसमें क्या होता था टोपोलॉजी के शॉर्ट में, कि अगर यू वी पे डिपेंडेंट है तो तभी यू पहले आएगा और वी बाद में, तभी यू पहले आएगा और वी बाद में, पर ये आपस में डिपेंडेंट है ही नहीं, तो मैं इसे ऊपर रख सकता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं इसको सिक्स को ऊपर रख सकता हूँ, क्योंकि आपस में डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई हो, सिक्स वाली, ठीक है, सिक्स वाली बात आपको समझ में आई होगी, और चलिए आगे चलते हैं। तो सिक्स वाला हो गया है, अब हम देखते हैं इसका ऑर्डर, ऑर्डर कैसे देखेंगे, ये ठीक है, तो इसका ऑर्डर जैसे ये है ना फोर, तो देखते हैं जीरो से थ्री की एज, जीरो से थ्री की एज है, तो जीरो से थ्री की एज है, जीरो से थ्री की एक एज, जीरो से थ्री की एक एज है, और वन जीरो से वन की एक एज है, जीरो से वन की एक एज है, और वन से टू की एक एज है, वन से टू की एक एज है, और टू से थ्री की एक एज है, टू से थ्री की एक एज है, और फोर से थ्री की, फोर से थ्री की, ठीक है, और फिर फोर से थ्री की एज हो गई है, और फोर से फाइव की एज, फोर से फाइव की एज, ठीक है, और फाइव से सिक्स की एज, फाइव से सिक्स की एज, तो ये भी है, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, सारी एजेस का देखिए डायरेक्शन, देखिए सबका, कि ये फोर जो है किस पे डिपेंडेंट था, फोर फाइव पे डिपेंडेंट था, सिक्स पे, तो पहले ये दोनों काम हुए फिर फोर होगा, ठीक है, ऐसे ही जीरो किस पे डिपेंडेंट था, वन पे, वन टू पे था, टू थ्री पे था, तो पहले थ्री होगा, ठीक है, पहले थ्री होगा, फिर टू होगा, फिर वन होगा, जीरो होगा, फोर थ्री पे डिपेंडेंट था, फोर जो था थ्री पे डिपेंडेंट था, तो इसीलिए थ्री पहले आया है, ठीक है, फोर यू वी की एज थी यहाँ पे, ये फोर और थ्री यू वी की एज थी, तो जो भी डिपेंडेंट होगा वो पहले आएगा, यू मस्ट अपियर बिफोर वी, ठीक है, ओके, तो चलिए, तो यू वी में क्या होता है कि बी डिपेंडेंट होता है ना, बी डिपेंडेंट होता है, तो यानी कि थ्री पहले आएगा, ठीक है, थ्री नीचे आएगा, यू मस्ट अपियर बिफोर बी, यू मस्ट अपियर बिफोर बी, तो बिफोर देखें तो फिर यू ही है, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं अभी हम, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और एक और चीज, अब इसमें ना कई बच्चे कहेंगे कि आपने स्टैक क्यों लिया है, आपने
स्टैक ही क्यों लिया, स्टैक वाई स्टैक। एक काम करते हैं, हमको पोस्ट ऑर्डर में हम ऐड करने की जगह प्रिंट करते हुए चलते हैं, पोस्ट ऑर्डर में ऐड करने की जगह प्रिंट करते हुए चलते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है देखते हैं। फिर पोस्ट ऑर्डर में अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर में मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो प्रिंट करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे तैनाम, तो मान लिया थ्री प्रिंट हो गया, थ्री, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो, है ना, फिर फोर, फिर फोर प्रिंट हो गया, नहीं, तो ये यहाँ तक प्रिंट हो गया, 3 2 1 0, है ना, 3 2 1 0, और फिर उसके बाद फोर को मौका मिलेगा तो सिक्स प्रिंट हुआ, फिर फाइव प्रिंट हुआ, फिर फोर प्रिंट हुआ, ठीक है, ये हुआ ना 6 5 और फिर फोर प्रिंट हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, 6 प्रिंट होगा ना पहले, हाँ 6 5 और 4, ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर में ऐसे प्रिंटिंग कर दी हमने, तो क्या ये क्या टॉपोलॉजिकल सॉर्ट आया ऑर्डर, ठीक, क्या ये टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर है। ये देखिए ना यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर क्या है कि फोर पहले पहले जिस पे डिपेंडेंट था, थ्री किस पे डिपेंडेंट है देखते हैं, थ्री डिपेंडेंट है, थ्री किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और जीरो से थ्री की एक एज, वन से वन है ये रहा ना, वन से टू की एक एज, और सिक्स से कहीं की भी एज नहीं है, फोर से थ्री की एज, फोर से थ्री की एज, फाइव से सिक्स की एज, और फोर से सिक्स की एज, ठीक है, और जीरो से थ्री की एज, ठीक है। तो ये जो हमने प्रिंट करा है ना, ये हमारा टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर नहीं है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ वर्क है, ये हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ वर्क, कि हमको अगर काम करना है तो किस ऑर्डर में करना है। जो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता है ना वो ऑर्डर ऑफ वर्क के अपोजिट होता है, ये अपोजिट होते हैं आपस में, ठीक है। इसमें क्या है, 4 5 6 0 1 2 3, इसमें क्या है, 3 2 1 0 6 5 4, तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पोस्ट ऑर्डर में अगर आप प्रिंट करते हुए चलेंगे ना तो आपका टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर नहीं आएगा, आपका ऑर्डर जो आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ वर्क। पर हमें ऑर्डर ऑफ वर्क नहीं प्रिंट करना है यहाँ पे, हमें प्रिंट करना है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर, ठीक है, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर प्रिंट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्ट का ऑर्डर, तो अभी ये हो गया, ठीक है, अभी जो है हमें पता चल गया कि हमने क्यों जो है पोस्ट ऑर्डर में प्रिंटिंग नहीं करी। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे पोस्ट ऑर्डर में प्रिंटिंग नहीं करी, ठीक है, चलिए प्री ऑर्डर में करके देखते हैं, प्री ऑर्डर में तो हो ही जाएगा, ठीक है, प्री ऑर्डर में कर देते हैं, पहले जीरो आ रहा है ना, पहले जीरो कर देते हैं, फिर वन कर देते हैं, फिर टू कर देते हैं, फिर थ्री कर देते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्योंकि जीरो आ रहा था, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, अब तो ऑर्डर सही आ गया है ना, ऐसे ऐसे कह रहे होंगे कुछ बच्चे, पर देखते हैं क्या होगा इसमें, पर देखते हैं क्या होगा इसमें। चलिए ठीक है, 0 1 2 3 के लिए तो काम बन गया, ठीक है, अब फोर की बात करते हैं, अब यहाँ पे इस वाले को मौका मिलेगा ना फोर को, तो फिर फोर, फिर फाइव आएगा, फिर सिक्स आएगा प्री ऑर्डर में, ठीक है, ये आ गए, पर क्या ये, अब देखते हैं यही आएगा ना, तो अब देखते हैं इसका ऑर्डर फिर से डालते हैं, या एजेस डालते हैं, 0 से 1 की एज, 0 से 1 की एज, 2 से 2 से सॉरी 1 से 2 की एज, ये उल्टा हो गया थोड़ा, थोड़ा सा उल्टा हो गया, 1 मिनट का समय, ठीक है, डन। तो 0 से 1 की एज, 1 से 2 की एज, 2 से 3 की एज, 0 से 3 की एज, ठीक है, 4 से 3 की एज, 4 से 3 की एज, और 4 से 5 की एज, फिर से, और 5 से 6 की एज, फिर 4 से 6 की एज। यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई ना, सब सब एक साइड है, आगे 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 आगे, ये तो पीछे जा रहा है ना, ये पीछे जा रहा है, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी, यहाँ पे जो है एक साइड, ये देखिए, एक 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 डायरेक्शन में काम होता है ना इसमें, एक ही डायरेक्शन में काम होता है, ठीक है। तो पर यहाँ पे जो है ना, हमने ये एरो का डायरेक्शन देखी है, ये एरो का डायरेक्शन देखिए, ये क्या कहता है कि फोर को करने के लिए ना पहले थ्री कर गया हो, फोर को करने के लिए पहले थ्री कर गया हो, पर मैंने पहले थ्री नहीं कर दिया, मैंने पहले फोर कर दिया, यहाँ पे उल्टा हो गया ये। तो इसका जो ऑर्डर है ना, इसका जो ऑर्डर है,
ये ऐसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, ऐसा, ये वाला ऐसा आ जाना चाहिए बेटा। ये जो है इसका ऑर्डर ऐसा आना चाहिए, 4 5 6 फिर 0 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 फिर 0 1 2 3, पर ऐसा तो नहीं आ रहा था ना हमारा प्री ऑर्डर में, इसीलिए जो है हमने प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग नहीं करी, इसीलिए यही एक रीजन है कि हम स्टैक का यूज कर रहे हैं, सिर्फ यही एक रीजन है कि हम स्टैक का यूज कर रहे हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि इस पॉइंट में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो कि हमने प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग क्यों नहीं करी, तो इसे मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा, पर पहले चलिए कोड की तरफ चलते हैं क्योंकि हमने जान लिया कैसे करना है, कैसे करना है, करना कैसे है, एक बार फिर से जल्दी से करते हैं हम ऑब्जर्व, ठीक है, कैसे करना है। तो हमने क्या कहा कि हम यूज करने वाले हैं डेप्थ फर्स्ट, डीएफएस यूज करने वाले हैं, और डीएफएस को किस तरीके से यूज करने वाले हैं, हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं कि सभी कंपोनेंट को मौका देंगे, पहले तो सभी कंपोनेंट को मौका देंगे कि अपना जाके ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन देख के आओ, एक स्टैक लेके चलेंगे और उस स्टैक में हम जो है भरते हुए चलेंगे क्या अपनी डिपेंडेंसीज, मतलब मैं जिस पे भी डिपेंडेंट हूँ वो पहले आ जाएगा स्टैक में, ठीक है, मैं जिस पे भी डिपेंडेंट हूँ वो पहले आ जाएगा स्टैक में, जैसे कि 0 जो है 3 पे डिपेंडेंट था तो 3 पहले आ गया स्टैक में, ठीक है, 3 पहले आ गया, फिर जैसे कि 2 3 पे डिपेंडेंट था तो 2 3 पे, हाँ 2 3 पे डिपेंडेंट था तो 3 पहले आ गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके डिपेंडेंसीज देख देख के हम जो है स्टैक में डालते रहेंगे, डीएफएस में डालते रहेंगे, डीएफएस के हेल्प से डालते रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, और क्या है, और क्या है, सभी कंपोनेंट को मौका देंगे, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए कोड लिखते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर तब होगा जब हम कोड के साथ करेंगे इसे, ठीक है। तो और क्या, और क्या चाहिए, ठीक है, तो फंक्शंस में काम करेंगे, ठीक है, तो बना लेते हैं फंक्शन, सीपीपी में कोड कर रहे हैं, तो फंक्शन लेते हैं एक, प्रिंट करना है ना, मैं प्रिंट करना है, प्रिंट ही कर रहे हैं, बिल्कुल प्रिंट करते हुए चलेंगे, प्रिंट तो करते हुए चलेंगे, पर प्रिंट हमको एंड में करना है, प्रिंट हमको एंड में करना है। तो यहाँ पे तो हम भर लेंगे अपनी स्टैक, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन कर दिया, और इसमें क्या लिखा मैंने, इसको क्या दूंगा मैं, इसको दूंगा मैं वेक्टर ऑफ एच, क्या होता है ये हमारा ग्राफ होता है, ठीक है, वेक्टर ऑफ एच क्या होता है, ग्राफ होता है। अब इसको एक सोर्स भी दे दो, इसको एक सोर्स भी दे दो, ठीक है, क्योंकि एक एक सोर्स से हम मौका देंगे उसको, ठीक है, और इसे विजिटेड भी दे दो, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड भी दे दो, ठीक है, विजिटेड भी दे दिया। अब चलिए यहाँ पे मेन में काम कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो ये स्निपेट आपको ऑलरेडी मिलेगा, ठीक है, आपको बस अपना कोड पूरा करना है, तो बना लेते हैं इसे। तो क्या चाहिए हमें, वेक्टर चाहिए बूल का, और इसका नाम रखेंगे विजिटेड, इसको हम साइज देंगे BTCES के बराबर, क्योंकि तो सभी वर्टेक्स को मौका देना है। अब इसमें बाय डिफॉल्ट डाल दो फॉल्स, ठीक है, अब ये हो गया है। अब हम जो है एक स्टैक भी लेंगे, तो स्टैक लेने के लिए ना पहले स्टैक ऑफ इंट ST तो कर दिया, पर उससे पहले यहाँ पे करा दो इम्पोर्ट हैश, हैश इंक्लूड, वेक्टर भी नहीं है क्या, हाँ वेक्टर भी नहीं है, हैश इंक्लूड स्टैक कर लो, स्टैक को इंक्लूड कर भाई, स्टैक को इंक्लूड कर दिया STACK, ठीक है, हैश इंक्लूड स्टैक। अब हैश इंक्लूड क्या इंक्लूड करना है, अभी वेक्टर भी करना है तो वेक्टर भी कर लो, ठीक है, दोनों चीज आ गई हैं। अब ठीक है, वेक्टर स्टैक दोनों आ गए हैं, वेक्टर स्टैक दोनों चलेंगे, अब स्टैक मिल गई है, अब हमको सभी को मौका देना है, सभी को डेमोक्रेटिक तरीके से मौका देना है, int i is equals to 0 i is less than btces i plus plus, ठीक है। अब किसको मौका दे रहे हैं, मौका डेमोक्रेटिक तरीके से देंगे, और किसी को ज्यादा भी नहीं देंगे, कहेंगे कि अगर विजिटेड हो गया भाई तो मौका नहीं मिलेगा, अगर नॉट विजिटेड है तो तभी मौका दूंगा, नॉट नॉट विजिटेड मतलब किसको, किसको विजिटेड ऑफ आई, ठीक है, विजिटेड ऑफ आई अगर नॉट विजिटेड है मतलब विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है, ठीक है, नॉट विजिटेड नहीं, फॉल्स कहते हैं, विजिटेड ऑफ आई अगर फॉल्स है मतलब कि अभी तक मैं, अभी तक जो है उससे कॉल नहीं लगाई है मैंने, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन को कॉल करो, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन को कॉल करो, और इसको क्या दो, इसको दो ग्राफ,
ग्राफ के बाद इसको तो सोर्स, सोर्स तो मेरा आई होगा ना, सोर्स मेरा होगा आई, और इसको एक और चीज़ दो स्टैक, स्टैक भी दो ताकि स्टैक भर के लेके आए, और फिर हम जो है लास्ट में जो हमारे पास स्टैक आएगी तो हम क्या करेंगे, और रिवाइज करते हैं ना। हमको उस ऑर्डर को प्रिंट भी करना है, हमको जो ऑर्डर हमको लेके आए हैं हम, तो उसको प्रिंट भी करना है। जब तक स्टैक का साइज जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, तब तक क्या करना है, सी आउट करना है। हाँ स्टैक डॉट टॉप, टॉप ही होता है ना, टॉप ही होता है, और स्टैक डॉट टॉप, और उसके बाद एंडल, और साथ में उसको पॉप कर दो, उसको छाप दे, उसको कर दो पॉप, ये हो चुका है पॉप। ठीक है, तो स्टैक भर के आएगी, स्टैक में हम प्रिंट कर देंगे। अब स्टैक भर लेते हैं, कैसे स्टैक भरेंगे, अच्छा स्टैक, इसको तो स्टैक दी नहीं, तो ऐसे छोटा था स्टैक प्रिंट एसटी। ठीक है, और यहाँ पे ना ये जरूर करें, नहीं तो चेंजेस कैसे होंगे। ठीक है, हेडर है ना, तो यहाँ पे से विजिटेड बिन दिया हमने, तो विजिटेड भी दो। ठीक है, विजिटेड भी तो जाएगा, तो ये हो चुका है। अब जो है यहाँ पे हम लॉजिक लिख देते हैं अपना। तो लॉजिक में क्या करते थे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आते ही पहले कर दो भाई, जहाँ पे हम आए हैं वहाँ पे ट्रू मार्क कर दो। किस पे आए हम, विजिटेड ऑफ सोर्स पे ट्रू मार्क कर दिया। ट्रू मार्क करने के बाद देखते हैं बोर्ड, बोर्ड पे चलते हैं, जो हमने लिखा था ना सेम ही चीज कोड पे लिखेंगे। गए ट्रू मार्क किया, कॉल लगाई आगे की, ठीक है, कॉल लगाई आएगी, फिर उसके बाद पोस्ट ऑर्डर में स्टैक में ऐड करते हुए चलते हैं, पोस्ट ऑर्डर में स्टैक में ऐड करते चलते हैं। तो फिर चलिए करते हैं, यहाँ पे आए, और फिर और एज ई कॉलन ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ सोर्स। ठीक है, ये अगर अगर विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर अभी तक फॉल्स है, ठीक है, मतलब उस पर कॉल नहीं लगाई है, तो कॉल लगा दो, कॉल लगा दो ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ COMPI कंपाइलेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन। अब इसको ग्राफ चाहिए था, इसको चाहिए था ग्राफ, इसको चाहिए था सोर्स, सोर्स इस बार होगा नेबर, इसको चाहिए था विजिटेड, और इसको चाहिए था स्टैक। ठीक है, काम हो गया इसका, ये स्टैक यहाँ से भरेगा, बस स्टैक तो हम कहाँ भरना है, ये तो फेक एक्सपेक्टेशन वाली बात है ना। काम तो हमको कहाँ करना है, कि पहले पहले जो है सब भर चुके होंगे, और फिर उसके बाद मैं अपना काम करूँगा। तो यहाँ पे पुश करना है आपको, क्या पुश करना है, सोर्स। ठीक है, सोर्स जो भी जहाँ पे भी आप हैं उसे कर दीजिए पुश। ठीक है, ये हो गया काम। अब और कुछ करना है, ठीक है, और तो कुछ नहीं करना। तो एक बार करते हैं इसे रन, चेक करते हैं कुछ कंपाइलेशन है तो। ठीक है, कंपाइलेशन तो नहीं है, कोड हो रहा है, एक्सेप्ट करते हैं, सबमिट सभी टेस्ट केसेस के लिए। ठीक है, कोड हो चुका है एक्सेप्ट पूरे रूप से, पूरी तरीके से। तो अब जो है एक बार करते हैं इसका क्विक रिकैप, तो क्विक रिकैप के लिए करते हैं, इसको लेके चलते हैं बोर्ड पे। यहाँ से कहाँ तक था, वाइड वाइड वाइड, इतना सा बोर्ड है, हाँ इतना सा बोर्ड है। ठीक है, इसको यहाँ पे रखा। अब देखिए, अच्छा एक चीज मेरे को बतानी थी, और वो चीज थी कि हम कैसे कर रहे हैं प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग की जगह ये स्टैक यूज। ठीक है, तो प्री ऑर्डर में प्रिंटिंग करने पे हमको ना क्या मिल रहा था ना, सी यहाँ पे हमने प्री ऑर्डर में पहले प्रिंटिंग करी, तो सपोज इससे 0 1
टू थ्री ये प्रिंट हो गया, ठीक है, एक कंपोनेंट ने अपना प्रिंट कर दिया। पर अब यहाँ पे जब थ्री से फोर डिपेंडेंट है, थ्री से फोर डिपेंडेंट है, तो अब क्या हुआ ना कि प्री ऑर्डर में फोर को मौका मिलेगा, तो अब ये फोर, ठीक है, फिर फाइव और फिर सिक्स प्रिंट होगा, ठीक है, फोर फाइव और फिर सिक्स प्रिंट होगा, तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे गलत बन जाता है, आना चाहिए था फोर फाइव सिक्स जीरो वन टू थ्री, आ गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अब ये इसमें सही कैसे हुआ, ये इसमें सही कैसे हुआ, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ ये। तो ठीक है, ये कोड तो खैर आसान है, कोड में यही काम करा है मैंने कि पहले इस पे जब मैं जा रहा हूँ सोर्स पे, तो इसे मार दिया टिक, मतलब कि इसे मार दिया ट्रू, विजिट कर दिया। विजिट करने के बाद जो है इसके जो है मैं चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ, और उन्हीं चिल्ड्रंस पे जा रहा हूँ जो अभी तक नॉट विजिटेड है, ठीक है, इसीलिए इस पे कॉल नहीं लगी, इसलिए यही रीजन है इस पे कॉल नहीं लगी, क्योंकि मैं पहले इस पे गया, इस पे गया, फिर मतलब जब मान लीजिए इस पे गया मैं वन पे, ठीक है, यहाँ पे नेबर वन है तो वन पे गया हूँ मैं पहले, वन पे गया, वन पे कॉल लगी, वन पे कॉल लगी, आते ही वन को ट्रू, ठीक है, यहाँ पे गया ना कोड, आते ही वन को ट्रू ट्रू मार्क कर दिया। फिर उसके बाद कहाँ गए हम, वापस गए इसके चिल्ड्रंस पे, चिल्ड्रंस पे यहाँ पे टू की बारी आई, टू अनविजिटेड था, टू की बारी आई, फिर टू से कॉल लगाई यहाँ पे, फिर से टू को ट्रू, ठीक है, टू को मार्क कर दिया ट्रू। अब उसके बाद यहाँ पे से कॉल लगी, फिर उसके बाद थ्री के पास गए, थ्री के पास गए, तो वो थ्री के पास जब गए तो फिर थ्री को लगाया टिक, मतलब कॉल, मतलब थ्री को लगा, थ्री को करा ट्रू मार्क, और फिर थ्री के चिल्ड्रन तो कुछ है नहीं अभी, ठीक है, तो ये लूप खत्म हो जाएगी और यहाँ पे थ्री ऐड हो जाएगा, यहाँ पे थ्री ऐड हो जाएगा स्टैक में, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। और फिर सिमिलरली ये पोस्ट ऑर्डर में टू गिरेगा स्टैक में, ठीक है, टू जाएगा स्टैक में, फिर वन जाएगा स्टैक में, फिर जब जीरो के पास आए, फिर जब इसके बाद वन के पास आएंगे ना, ये जीरो से कहेंगे कि अब अगली कॉल कहाँ डालूँ, यहाँ पे कहेगा कि, फिर ये चेक करेगा कि मेरा विजिटेड ऑफ ई डॉट नेबर, दूसरा नेबर तो थ्री था ना, तो ये ऑलरेडी क्या है, विजिटेड है, तो अब ये यहाँ पे नहीं जाएगा स्टैक में और कॉलिंग लगेगी इसके पास, ठीक है, क्योंकि कॉलिंग लगेगी इसके पास, तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं कि ये प्री ऑर्डर में तो चलो ये गलत हो गया, पर ये स्टैक से कैसे सही हो रहा है, ये सही कैसे हो रहा है स्टैक से, तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे इरेजर इसे हटाया और इसे भी हटा दो, कोड का हमने कर लिया है क्या, ड्राई रन, कोड का हमने कर लिया है ड्राई रन, तो अब जरूरत नहीं है हमें कोड की। अब हम देखते हैं कि ये स्टैक में कैसे सही हो रहा है ये चीज, ठीक है, तो ठीक है, तो देखिए एक ले लेता हूँ कलर अच्छा सा, ये ब्लू, ठीक है, तो देखिए स्टैक में क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जैसे कि हम है यहाँ पे, तो मान लीजिए कि थ्री से फोर, या तो ये थ्री से फोर जाती है, या तो ये फोर से थ्री आती है, या तो ये थ्री से फोर जाती है या फोर से थ्री जाती है। आप कहोगे भैया आपने फोर से थ्री बता दिया, आप थ्री से फोर बताओ, अगर फोर थ्री से फोर जाती तो क्या होता, तब तो ये भी गलत होता। चलिए देखते हैं क्या होता है ना इसमें, पहले जीरो है, जीरो से मैं कहाँ पे गिर रहा हूँ, वन पे, और ये दूसरी कॉल थ्री पे, फिर वन से कहाँ जाऊँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ टू पे, फिर उसके बाद थ्री पे, फिर उसके बाद थ्री पे, क्या आप थ्री से वापस होता, सपोज ये इस तरीके की एज होती, तो क्या थ्री के चाइल्ड ऐड नहीं होते, थ्री के चाइल्ड पे कॉल नहीं लगती है, अनविजिटेड चाइल्ड पे, फोर तो अभी अनविजिटेड है ना, तो पहले फोर के पास जाते हैं, पहले फोर के पास जाता है ये, ठीक है, थोड़ा सा ठीक करता हूँ इसे, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो अब ये फोर के पास जाता है, क्योंकि थ्री के चाइल्ड के पास यानी कि फोर के पास जाता, और फिर फोर के बाद फोर का चाइल्ड क्या है, फाइव, फिर फाइव और फिर सिक्स, ठीक है, तो ये इनके पास जाता, और फिर जब ये सिक्स इंडिपेंडेंट होता तब ये ऐड होता, तभी अभी भी ऑर्डर बनेगा सिक्स, फिर आएगा फाइव, फिर आएगा फोर, फिर थ्री, फिर टू, फिर वन और फिर जीरो, ठीक है, अब ये थ्री पे ये अभी भी कॉल नहीं लगेगी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होने वाला है ये। और फोर के वैसे फोर के बाद यहाँ पे एक और भी मौका मिलेगा सिक्स को, पर सिक्स को एक्चुअली में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले फाइव के पास जाएगा, ठीक है, फाइव के बाद सिक्स पे जाएगा, तो जब वापस आएगा तो ये ऑलरेडी विजिटेड होगा, ठीक है, तो अभी भी जो है ये ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन हमारा बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है, अभी ये जो ऑर्डर ऑफ कंपाइलेशन है हमारा बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि हम डी एफ एस में काम कर रहे हैं, हम कब काम कब पहले हम सारे डिपेंडेंसी देख ले रहे हैं, जो हम पोस्ट ऑर्डर में काम इसीलिए कर रहे हैं ना, पोस्ट ऑर्डर में स्टैक में ऐड इसीलिए कर रहे हैं, क्योंकि सारी डिपेंडेंसी पहले हम देख ले रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ, और जब इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ तब डाल दे रहे हैं इसको, ठीक है, तब डाल दे रहे हैं, और उसके बाद जो है हम स्टैक भर के और उस ऑर्डर को प्रिंट कर दे रहे हैं जो हमारे पास टॉपोलॉजिकल ऑर्डर आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, ठीक है,
अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, कौन सा वाला, कि हम प्री ऑर्डर में प्रिंट क्यों नहीं कर रहे और पोस्ट ऑर्डर में स्टैक यूज क्यों कर रहे हैं, एक बार आप फिर से वीडियो देखे, इसकी वीडियो फिर से देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, इसको फिर से एक बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे आपका जो होगा रिकर्जन में पकड़ ज्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है। और दूसरी चीज, ये क्वेश्चन तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा ही, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ये वीडियो तो हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा आपके साथ मिलने फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। गुड बाय, टेक केयर।